ये जो सुंदर से हम स्थान बना करके इस ऑफिस हर ऑफिस में रख सकता है अलग अलग ट्राइब का, यहाँ में 100+ ट्राइब कम्युनिटी है तो काफ़ी प्रमोट कर सकता है। हर ऑफिस डिपार्टमेंट लेना चाहिए उसको, हर गवर्नमेंट लेवल से लेके जो मिनिस्टर एमएलए से लेके ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर इंजीनियर डॉक्टर का ऑफिस में पूरा ये एक एक आइटम होने से क्या होगा कि हम लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली काफ़ी प्रमोट हो जाएगा और लोग सब लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी लेने आ जाएंगे। तो डायरेक्टली दिस काइंड ऑफ प्रमोशन और इस टाइप का जो आइटम्स है वेराइटीज जो बनाया वाला को यहाँ का गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ में बहुत सारा मॉल आ गया आज का दिन में, शॉपिंग मॉल आ गया, होटल आ रहा है और बहुत सारा बिजनेस पार्टी है तो उनका दुकान मतलब उनका दुकान में भी मॉल में भी ये सब रख के उन लोग को मौका देना कि इसका ये आइटम को लेके मॉल में भी प्रमोट करो। तो आदमी कोई मॉल में जाते समय जैसे फ्रंट गेट में कोई ऐसे टेबल में रखने से लोग ले लेंगे तो हर मॉल में अगर इसको प्रमोट करता हो भी बहुत अच्छा मतलब इंकरेजमेंट होगा उनके लिए जो यहाँ का लोकल आर्टिस्ट के लिए। और हम लोग बीच बीच में इसको ऐसे यहाँ में अननेसरी का इतना फेस्टिवल होता है काउंटलेस स्टेट में कभी कभी मनाता है अननेसरी वी आर ड्रेनिंग अवे आवर रिसोर्सेस काफ़ी वेस्ट होता है उनका जगह में इस टाइप का जो आर्टिस्ट लोकली बनाया वाला को क्यों ना हम स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रमोट करके जैसे काइंड ऑफ लोकल आर्टिस्ट फेस्टिवल लोकल मतलब कुछ फेस्टिवल में उसको काफ़ी प्रमोट करके स्पेशली उसके लिए जो कि मास गैदरिंग करके हर डिस्ट्रिक्ट ट्राइब का आके अपना जो सुंदर से बनाया वाला आइटम को डिस्प्ले करके लोग नेशनल और इंटरनेशनल में पहुँचाए तो मार्केट में इसको ला सके ये अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी होगा जब उसको इस टाइप का प्रमोशन होने से। और टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल हमारे यहाँ का जो कोशिश भी करता है जो काफ़ी अनएम्प्लॉयड बैठा है स्टेट में कोशिश करता है कि ऑफिस में जाके कभी गवर्नमेंट से बैंक से लोन लोके कुछ इंटरप्राइज और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट शुरू करने का दौरभाग हो जाता है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हर्डल्स हिंड्रेंस इन द सिस्टम स्पेशली द गवर्नमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट। आज का दिन में एक एग्जाम्पल मैंने फेस किया और लोगों का फेस वाला को भी काफ़ी मैंने शेयर किया कि कोई आदमी जो ट्रेडिंग लाइसेंस लेने जाता है तो सबसे पहले IMC और DC से बोलता है कि यू शुड ब्रिंग योर LPC और अलॉटमेंट। कोई लड़का के पास में और अनएम्प्लॉयड के पास लैंड भी है तो जब वो अप्लाई करता है तो लैंड अलॉटमेंट के लिए वहाँ में इतना मतलब ऑफिशियल प्रोसीडर होता है कि देयर इज़ नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन अरुणाचल प्रदेश एवरी वे हर्डल ही हर्डल। हर स्टेप में ऐसे लगता है कि वहाँ में एक साहब है अभी कटेगा, हर टेबल में पैसा पे के जाना पड़ता है। बोर्ड लोग का ये शेयरिंग है अगर जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लेना भी मुश्किल हो रहा है इस टाइप का सिचुएशन है तो वेयर इज़ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसे तो हम लोग का स्टेट में ये नॉर्थ ईस्ट को बोलता है कि एक ईस्ट BJP कांग्रेस जब गवर्नमेंट आने से अपना अपना एक इस लोग इस पॉलिसी बनाते रहते हैं वो पॉलिसी से तो हम यहाँ से अदर कंट्री में जाके बिजनेस नहीं कर सकता इंटरनेशनली जैसे हमारे अरुणाचल का बॉर्डर सब चारों तरफ लैंडलॉक एरिया है तो हम अलग अलग कंट्री में जाके बिजनेस नहीं कर सकता। उसका कारण से भी हम यहाँ में क्राइसिस हो रहा है कि लोकल यहाँ में हम आगे नहीं जा रहा है प्रमोट नहीं हो रहा है और अपना देश से हम यहाँ से अरुणाचल से जैसे दिल्ली मुंबई साउथ नॉर्थ में जाने से भी ऐसे फील होता है कि हम अदर कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ का रोड कम्युनिकेशन इतना बैड है आदमी आके यहाँ ऐसे आदमी पब्लिक को नहीं डर रहा है जगह को नहीं डर रहा है लेकिन रोड को डर रहा है इतना मतलब बैकवर्ड ऐसे लगता है कि वी आर लाइक 100 ईयर्स बैक हो गया ये दुनिया से 1000 ईयर्स बैक हो गया। कोई रोड का डिफिनेशन नहीं है स्ट्रक्चर का कोई डिफिनेशन नहीं हो उसी कारण से आज रिसेंटली में भी कोई न्यूज़ आया कि अरुणाचल इटानगर कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ द डर्टेस्ट सिटी इन वन ऑफ द डर्टेस्ट सिटी इन द इंडिया। तो मैं एक चीज़ मेरा एक्सपीरियंस को अभी शेयर करना था ये बात है कि लोकल आदमी को प्रमोट के लिए
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए? मेरा नाम राजीव सेकिया है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं यहाँ अरुणाचल में पोस्टेड हूँ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट। तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज चौपाल प्रोग्राम करने के लिए आए थे। तो हम लोग का मास्टर जो अमाबाग भी है वो ड्राई फ्लावर में काम करता है, जैसे ड्राई फ्लावर फ्लावर्स जो होता है ना, इसमें बेसिकली वो एक आर्टिजन है। तो ये जो चौपाल है ये पान इंडिया बेसिस में लॉन्च हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में होगा। तो हम लोग का अरुणाचल में हम लोग तीन कर चुके हैं, एक नाहरलगन, एक सागाली और तीसरा यहाँ हम लोग ने सक्सेसफुली कम्प्लीट किया। तो बेसिकली चौपाल हम लोग ने इसीलिए किया क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कम 5 महीना जैसा हम लोग आर्टिजन अपना जो बेनिफिशियरी है उन लोगों के साथ हम लोग ने इंटरेक्ट नहीं कर पाए, उसके वजह से हम लोग ने ये प्रोग्राम फिक्स किया कि हम लोग यहाँ करेंगे और जो हम लोग का ड्राई फ्लावर का जो आर्टिजन्स है उसके साथ एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि कैसा क्या हो रहा है और इन फ्यूचर जो हम लोग का डिपार्टमेंटल स्कीम आएगा उसको हम लोग कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया जो कैनन बेम्बू या ड्राई फ्लावर या वगैरह वगैरह क्राफ्ट में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में होता है, तो उसको प्लस और कैसे हम लोग मार्केटिंग इवेंट को कंडक्ट करेंगे ईटानगर या आउटसाइड अरुणाचल जो होता है उसका, वो जस्ट उसको डिस्कशन करने के लिए हम लोग ये चौपाल को आज कंप्लीट किया मतलब। और दूसरा एक था हम लोग का जो अमाबगी है उन लोगों ने ये प्रोडक्ट को बनाया, इसको हम लोग ने आज लॉन्च किया। तो मतलब ताकि हम लोग का जो आर्टिजन्स है वो प्रमोट हो पाए इसमें ये सेक्टर में, जैसे हम लोग का डॉल्स जो टॉय है, टॉल्स एंड डॉय है, इसमें ये क्राफ्ट को हम लोग प्रमोट करने के लिए आज इसको लॉन्च किया। तो अमाबग भी इसमें ये नया प्रोडक्ट लाया लॉन्चिंग के लिए, तो आशा करता हूँ ये प्रोडक्ट भी मतलब मार्केट में अच्छा से जाएगा और जो आर्टिजन्स लोग हैं वो लोग भी अच्छा से एंटरप्रेन्योर होके मतलब अपना लाइवलीहुड को वो लोग सर्वाइव करेगा।